हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ फर्न की भाजी जो कि है ढेकिया। सो सबसे पहले उसे साफ़ कर लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा मोटा वाला लिया है, मोटा वाला लेने से फ्राई करने से अच्छा है, ज़रा पत्ता वाला लेने से फ्राई करने से सूख जाता है और जल जाता है, इसलिए मैंने मोटा मोटा फर्न को लिया है, उसका स्टेम को भी लिया। एंड सबसे पहले उसे साफ़ करके अच्छी तरह से धो लूँगी। तो मैंने ये अच्छी तरह से धो लिया है, अपना जो फर्न है अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है पानी। तो उसमें मैं दूंगी एक आलू एंड प्याज एंड लहसुन। तो तेल गर्म हो चुका है तो उसमें डाल दूंगी प्याज लहसुन मिर्चा जितना भी जो भी मसाला है मेरा। डालने के बाद आलू को पहले फ्राई करूंगी। आलू को पहले फ्राई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है एंड फर्न बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए आलू को फ्राई कर रही हूँ। उसमें दे रही हूँ नमक एंड हल्दी। तो अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, आधा पक्का तक, 50% पक्का तक मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं फर्न को दे दूँगी पानी को ड्रेन करके, क्योंकि फर्न जल्दी से पक जाता है, इसलिए मैं फर्न को बाद में दे रही हूँ। एंड उसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर ले एंड थोड़ा देर के लिए आप उसमें ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगाने के बाद आप चेक करते रहना, अगर जब फर्न पक जाएगा तो फर्न थोड़ा सा कम हो जाएगा, आई मीन सिकुड़ जाएगा। मीडियम फ्लेम में फर्न को फ्राई करें, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाता है क्योंकि पत्ता पत्ता बहुत जल्दी जल जाता है। तो फाइनली मेरा फर्न पक चुका है, यू कैन सी बहुत सिकुड़ के कम भी हो गया एंड यू कैन सी कितना अभी भी ग्रीन ग्रीन है, खाने में तो बहुत ही अच्छा लगे। सो हियर्स माई राइस एंड फर्न भाजी विथ आलू। तो मैंने कुछ अलग नहीं बनाया, जो बस फर्न का साथ ही खा रही हूँ। बहुत दिन से खाने मन था तो घर से लेके आए, तो खाने में तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम खा के मन खुश हो गया क्योंकि बहुत दिन से खाने मन था। सो खा लेते हैं खाना। तो आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय करना एंड टिल देन बाय बाय।